1957 में हैवी मैंडेट के साथ आए थे ना आप, 1957 में, 1997 में, 97 में हाँ याद है ना, हैवी मैंडेट तारीखी, हैवी दो तिहाई, दो तिहाई तारीखी बिल्कुल। उस वक्त क्या फैसला हुआ था कि जी अदलिया का निज़ाम ठीक काम नहीं कर रहा तो हम जरा वो शरिया नाफिज करेंगे, तो अमीरुल मोमिनीन बनने की जो ख्वाहिश थी तो भी कर लेते, किसने रोका था आपको? फिर देखें अब ये, अब देखें ना पूरे तस्वीर के दोनों रुख दिखाए। उसके बाद 18वीं तरमीम, उस दौरान आपको सिर्फ इतना कहा उसी इफ्तिहार चौधरी ने जिसको आप बहुत चाव से लाए थे जमहूरियत मामे और अदलिया की आजादी के, उनका राइट बनता था अदलिया की आजादी, इफ्तिहार चौधरी की बहाली। और गुजरा वाले पहुंचते हो तो फोन आपको आता है जनरल कियानी का, जी ताड़ा काम हो जाएगा वापस चले जाओ। एक तो गुजरा वाला लैब बैठा है ना, क्यों क्यों यार बात यह है कि हकायक को कहते हो कि हकायक बयान कर रहे हैं, हकायक बयान नहीं कर रहे। देखिए जी इनके मैं इनके इनके टाइम खत्म हो गया, खुदा का वास्ता आपकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने, आपने ये तो इंप्रेशन दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने शायद मिस हैंडल किया है। मिस हैंडल मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दे फेल टू, मैंने ये मैं ये अका तारर साहब ने खुद के इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज किए हैं। सीधी बात है, सुनावा तीनू तलावा नूनू, अदलिया वालों तुम कुछ करो। अगर हम एक शख्स पे मुख्तलिफ शहरों में 12 मुकदमे बनाए, सजाएं क्या वजीर आजम ने दी है, काबीना ने दी है? सर वहां पे एक कानून बनाया गया है, आपको ये बात पता है, वजीर आजम साहब ने जो बरतानवी वजीर आजम है, जैसे ही ये फसादात होते हैं तो वहां पे एक चीज कहलाती है कोबरा, कोबरा कोबरा सी ओ बी आर ए, वो सांप होता है, उनके यहाँ उनके जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, इसको यूं समझे जब वो नेशनल इमरजेंसी इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टाइप, जब वो मुल्क में समझे कि जी हंगामी हालात हैं, अच्छा ओके फाइन, और तमाम उसका इजलास को हेड किया वजीर आजम ने, उसने कहा कि नो नॉनसेंस, ये इस तरह वजीर आजम अपने पे जिम्मेदारी लेता है, और नो नॉनसेंस। आपको पता है कि उस दिन सब शहबाज हुकूमत नहीं चलती थी, घर जाओ गल देना मैंने मारन सारे ने यार, तुम मुझे एक बात बताओ कि सोल्यूशन की वो नहीं दे सकते, मैं तो आप बताएं सोल्यूशन क्या है जी, प्रोसिक्यूशन, अगर ये प्रोसिक्यूशन ये हो कि अदनान जो है वो 13 शहरों में यानी कि आग लगाने का जिम्मेदार है, तो ये तो गलत है ना, एक शहर में हो सकता है ना यार, समझो या नहीं, यानी वो जो तुम्हारा सिस्टम अच्छा, दूसरी बात आई एग्री विद यू कि आज आप जिनसे शिकायत लगा रहे हैं, और यार बात करो खुल के अगर करनी है तो, 1957 में हैवी मैंडेट के साथ आए थे ना आप, 1957 में, 1997 में, 97 में याद है ना, हैवी मैंडेट तारीखी, हैवी दो तिहाई, दो तिहाई तारीखी बिल्कुल। उस वक्त क्या फैसला हुआ था कि जी अदलिया का निज़ाम ठीक काम नहीं कर रहा तो हम जरा वो शरिया नाफिज करेंगे, तो अमीरुल मोमिनीन बनने की जो ख्वाहिश थी तो भी कर लेते, किसने रोका था आपको? फिर देखें अब ये, अब देखें ना पूरे तस्वीर के दोनों रुख दिखाए। उसके बाद 18वीं तरमीम, उस दौरान आपको सिर्फ इतना कहा उसी इफ्तिहार चौधरी ने जिसको आप बहुत चाव से लाए थे जमहूरियत मामे और अदलिया की आजादी के, उनका राइट बनता था अदलिया की आजादी, इफ्तिहार चौधरी की बहाली। और गुजरा वाले पहुंचते हो तो फोन आपको आता है जनरल कियानी का, जी ताड़ा काम हो जाएगा वापस चले जाओ। एक तो गुजरा वाला लैब बैठा है ना, क्यों क्यों यार बात यह है कि हकायक को कहते हो कि हकायक बयान कर रहे हैं, हकायक बयान नहीं कर रहे। देखिए जी इनके मैं इनके इनके टाइम खत्म हो गया, खुदा का वास्ता आपकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने, आपने ये तो इंप्रेशन दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने शायद मिस हैंडल किया है। मिस हैंडल मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दे फेल टू, मैंने ये प्रोसिक्यूट, मैं ये अका तारर साहब ने खुद के इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज किए हैं, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए, फैसले हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है वो डाल के।